ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको तीन उपाय बताने वाले हैं जो कि धन संपदा से संबंधित उपाय हैं, परेशानी दुख कष्ट दूर करने के लिए हैं, बीमारी दूर करने के लिए हैं। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करने हैं, साथ ही साथ आप एकादशी तिथि के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होते हैं। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर तीन उपाय बताने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। उपाय कुछ इस प्रकार है जो कि धन संपदा से संबंधित होंगे। आ जाते हैं सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय है धन संपदा के लिए, धन में वृद्धि करने के लिए। अगर आपकी कमाई से खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 100 पैसे कमा रहे हैं और 200 आपके खर्चे निकल आते हैं, खर्चे कहाँ होते हैं आपको पता भी नहीं चल पाता है, मतलब फिजूल खर्चे हो रहे हैं बिना मतलब के, कोई बीमार हो गया या कहीं गुम हो गए या कोई सामान टूट गया उस जगह पर पैसे लग गए या कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं लग रहा है, पर पैसे खर्च हो जा रहे हैं। ऐसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, कमाई से ज़्यादा आपके खर्चे हो जा रहे हैं, सैलरी आई नहीं कि 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सारे पैसे गुल हो जाते हैं, तब आपको ये उपाय करना है धन संपदा में वृद्धि के लिए, पैसे टिकने के लिए, स्थाई लक्ष्मी को पास करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा चने की दाल 41, कितनी 41 चने की दाल लेनी है। ध्यान दीजिएगा सड़ी हुई ना हो। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हैं तो एक कमल गट्टा भी आपको लेना है, बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं छोटे छोटे से, एक कमल गट्टा लेना है आपको। साथ ही साथ कोई सफ़ेद फूल ले लेना है, कोई भी मिल ले सकते हैं आप, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, बस केतकी का फूल ना ही हो, उसके अलावा कोई भी फूल आप सफ़ेद ले सकते हैं। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है और जो आपने कमल गट्टा लिया हुआ है वो कमल गट्टा आपको उसी तांबे के लोटे में डाल देना है जल में, ठीक है। सारी सामग्री, ये उपाय आप सुबह से शाम तक कभी भी जब आपको समय मिले आप कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, गुरुवार के दिन बस करना है, ये ध्यान रखना है। आपको सारा सामान लेकर के शिवलिंग के पास चले जाना है शिव मंदिर में। अगर पीले कपड़े में आप चने की दाल ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी और बर्तन में ले लें, लेकिन अगर पीला कपड़े में लेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। सारी सामग्री जब आप लेके पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कपड़े में आपने चने की दाल ली हुई है वो सारी चने की दाल अपने दाहिने हाथ पर लेनी है और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सभी आपको समर्पित कर देनी है, सारी दाल चढ़ा देनी है। उसके बाद आपने जो एक जल लिया हुआ है कमल गट्टे वाला एक लोटा जल, वो एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब जल आप चढ़ा रहे हैं तो आपको जलाधारी से जब जिन जल नीचे बहता है वहाँ पे थोड़ा सा जल आपको उसी लोटे में एकत्र कर लेना है, जितना संभव हो सके उतना जल एकत्र कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी इच्छा मनोकामना जो भी है कि हमारे घर में धन संपदा पैसा नहीं आ रहा है या धन नहीं टिकता है, ऐसी कृपा करें महादेव कि हमारे घर में धन टिकना शुरू हो जाए। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा होना आप पे शुरू हो जाती है और आपके घर में धन वृद्धि शुरू हो जाती है और पैसा टिकना सबसे बड़ी बात है वो शुरू हो जाता है, जो फिजूल खर्ची है वो बंद हो जाती है। इसके बाद आपने जो सफ़ेद फूल लिया है वो एक सफ़ेद फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और चढ़ा करके वापस अपने घर आ जाना है, वो जल ले करके जो आपने लोटे में लिया है। घर आने के बाद आपको पूरे घर में उस जल का अच्छी तरह से हर बाथरूम को छोड़ के हर जगह पर उस जल का छिड़काव करना है, इससे आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। 2 गुरुवार 3 गुरुवार करके देखें, आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है घर की बीमारियों के लिए। अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है और धन आपका खर्च हो रहा है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा धन तो खर्च हो जाता है बीमारियों में, तब आपको ये उपाय करना है बीमारी से बचने के लिए। लेना होगा आपको एक दीपक, इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मिट्टी का दीपक जो होता है वही आपको
लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी एक बेल पत्र जो कि कटी फटी ना हो कहीं से, मात्र एक बेल पत्र चाहिए। अगली चीज़ जो चाहिए वो है चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल लेनी है जो कि सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। 7 चने की दाल ले लिया और 7 टुकड़े आपको गुड़ के लेने हैं, छोटे छोटे से, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं लेने, बहुत छोटे छोटे से, लेकिन काउंटिंग में वो 7 होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने ले ली हैं, साथ में एक लोटा जल ले लेना है और ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह चाहे सुबह, शाम चाहे शाम, जब समय मिले तब आप ये उपाय गुरुवार के दिन कर सकते हैं। वहाँ पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने दिया लिया हुआ है शिवलिंग के सामने आपको बैठना है और जो दिया लिया हुआ है उसमें और कुछ नहीं रखना है, एक बेलपत्र जो ली है सबसे नीचे उसको रखना है, उसके ऊपर जो 7 चने की दाल रखी है और 7 गुड़ के टुकड़े आपको उस पर रख देना है और वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर नीचे, आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं नीचे, आपको बेस पे उसके रखना है और आपकी जो सदस्य बीमार सदस्य है उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और कामना कहनी है कि उसको शीघ्र स्वस्थ करें, उसके कष्ट दुख परेशानी हर लें और उसकी बीमारियां दूर हो जाए, उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाए, दवाएं असर करना शुरू हो जाए, इस तरह की आपको वहां पर कामना करनी है। और एक लोटा जल लेकर के जो गए हैं वो एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। आपने जो वहां पर भोग में चढ़ाया है महादेव को दिए में रख करके, वो चीज़ें वहीं पर छोड़ देना है और छोड़ करके वापस अपने घर आ जाना है उस बीमार व्यक्ति की कामना करते हुए। आते हैं अपने अगले तीसरे उपाय पर। ये उपाय है धन में वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं धन संपदा के लिए ही ये उपाय भी है, आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके घर में लाल चंदन तो होगा ही, लाल चंदन से आपको पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा लाल चंदन, और उससे आपको बेल पत्र के ऊपर जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? श्री लिखना है लाल चंदन से, आपके घर में होगा ही। यार लाल चंदन अगर ना मिले तो आप रोली से लिख सकते हैं श्री। वो लिखने के बेलपत्र पर श्री आपने लिख दिया और तांबे के लोटे में एक लोटा जल ले लेना है और ये दोनों चीज़ें बेलपत्र श्री लिखा हुआ और ये एक लोटा जल लेकर के शिव मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। आपको सुबह चाहे सुबह जा सकते हैं, शाम चाहे और शाम जा सकते हैं। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो आपने श्री वाला बेलपत्र लिया हुआ है उसको सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर रख छुआना है, मतलब ऐसे रख नहीं देना है परमानेंट, उसको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर छुआना है और जो श्री लिखा हुआ है वो शिवलिंग पे टच होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद वहाँ से उठा लेना है आपको और वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसको टच कराना है और तीसरी बार आपको वहाँ से भी उठा लेना और तीसरा जो माता का हस्त कमल होता है पार्वती माता का, नीचे का बेस भाग जो होता है शिवलिंग पे, उस जगह पर आपको चढ़ाना है और उसको अब वहीं पर छोड़ देना है। अंत में तीसरी जगह पर वहीं आपको माता के पास ही रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं वो जल आपको सबसे पहले इसी सीक्वेंस में शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है, फिर थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है, उसके बाद बाकी बचा हुआ जल जो माता का हस्त कमल है कटी भाग जो होता है गोल गोल उसी जगह पे सारा जल आपको बाकी बचा हुआ चढ़ा देना है गोल गोल करते हुए पार्वती माता के हस्त कमल पे और अपनी कामना अपनी इच्छा जो है धन संबंधी समस्या जो है वो सारी वहाँ पर कर देनी है कि हमारे घर में धन वृद्धि के योग बनने शुरू हो जाएं। बहुत ही लाभकारी उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा।